स्टडी फॉर जॉब यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि नदियों के किनारे भारतीय शहर कौन कौन से हैं, क्योंकि इस तरह के कई क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए ये वीडियो शुरू करें, उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। आपको बता दें कि आप इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे और उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करें ये वीडियो। सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर जॉब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मिलेगा सीरियल नंबर, उसके बाद कौन सा नगर है मतलब कि सिटी, और उसके बाद नदियाँ यानी कि रिवर। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, लेकिन उसमें से सही उत्तर है यमुना नदी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आगरा के बारे में। आगरा वही जो कि उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ पे क्या है, ताजमहल। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था, तो ये है यमुना नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं तो ये है बद्रीनाथ, जो कि है उत्तराखंड में यानी UK में, और ये उत्तराखंड 2000 में कट के बना था उत्तर प्रदेश से। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। तो ये बद्रीनाथ है अलकनंदा नदी के किनारे। उसके बाद बात करते हैं इलाहाबाद की, जो कि अब बदल के हो चुका है प्रयागराज, और ये है उत्तर प्रदेश में। इंडिया में कुल मिला के 4 जगहों पे कुंभ लगता है, जिसमें से प्रयागराज भी एक है, और यहाँ पे गंगा यमुना नदी दोनों है। कहने को तो यहाँ पे सरस्वती नदी भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं तो ये है दिल्ली। दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, इसे राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था 1991 में, और ये देश की राजधानी बनी थी 1912 में। इससे पहले कोलकाता कैपिटल हुआ करता था। बात हो रही है अंग्रेजों की जमानों की। तो यहाँ पे दिल्ली है यमुना नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं तो ये है फिरोजपुर, ये है सतलुज नदी के किनारे। देखिए जो इम्पोर्टेंट है उनका हम फैक्ट आपको बताते जाएंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट जो कि आपके परीक्षा के लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सके। अब बात करते हैं हरिद्वार की, तो ये है उत्तराखंड में, और हरिद्वार है गंगा नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं तो ये है कानपुर। कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, और चमड़े के सामान के लिए कानपुर को जाना जाता है। कानपुर है गंगा नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं तो ये है कुरनूल। कुरनूल है तुंगभद्रा नदी के किनारे। अब बात करते हैं सोकावा घाट की, तो ये है ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे। ये तिब्बत से इंडिया में आती है। ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में आपको बता दें कि वैसे तो इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है, लेकिन ये 2900 किलोमीटर इंडिया और चाइना को मिला करके है, इसीलिए भारत की सबसे लंबी नदी गंगा होती है, जिसकी लंबाई केवल 2525 किलोमीटर मात्र है। आपको बता दें कि अगर पूछा जाए कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यह है वांग हो। ये है चाइना में, और इसे चाइना का दुख भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तो ये है पटना। पटना जो कि बिहार की कैपिटल भी है, और ये है गंगा नदी के किनारे। श्रीनगर की बात करें तो ये है झेलम नदी के किनारे, और श्रीनगर केसर के उत्पादन के लिए जाना जाता है। श्रीनगर अभी अभी जो जम्मू एंड श्रीनगर था, इसमें से जो जम्मू है इसको अभी एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं तो ये है सूरत, जो कि ताप्ती नदी के किनारे है। सूरत है गुजरात में। आगे बढ़ें तो यह है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा है कृष्णा नदी के किनारे। पंढरपुर तो यह है भीमा नदी के किनारे। आप इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये कई बार पूछा जा चुका है। और आपको ज़रूरत है इस वीडियो को 2 से 3 बार देखने की, और इसके साथ इसका PDF डाउनलोड करने की। वहाँ आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो यह है बरेली, और यहाँ पर है राम गंगा नदी। बरेली यानी कि उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं तो यह है ओरछा, और यह है बेतवा नदी के किनारे। आगे बढ़ें तो यह उज्जैन जो है छिप्रा नदी के किनारे, इसे इस तरह छिप्रा भी लिखा जाता है। यहाँ पर भी एक कुंभ मेला का आयोजन होता है। तो कभी कभी आपसे पूछ लिया गया है कि उज्जैन जहाँ पे कुंभ मेला का आयोजन होता है किस नदी के किनारे है, तो यह है छिप्रा। आगे बढ़ते हैं तो यह है अयोध्या, जो कि सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या जो भगवान राम का जन्मस्थली माना जाता है, जो कि है उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पे राम जन्म बाबरी मस्जिद को लेकर मतलब कि ज़्यादा दिनों से विवाद गहराया हुआ है। आगे बढ़ते हैं तो यह है कोलकाता, जो कि वेस्ट बंगाल की कैपिटल है,
और ये है हुगली नदी के किनारे। हालांकि अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोलकाता की दुख किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है दामोदर नदी को। लखनऊ है गोमती नदी के किनारे, जो कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल भी है, और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, नवाबों का शहर। लखनऊ प्रसिद्ध है चिकनकारी के लिए। तो चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, अपना उत्तर हमें कमेंट करके बताइएगा। बुनकर सिटी किसे कहते हैं? बुनकर सिटी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। बुनकर सिटी किस शहर को कहा जाता है, कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं, तो ये है डिब्रूगढ़, जो कि है असम में। असम में तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। और आपको बता दें कि असम चाय के उत्पादन के लिए जाना जाता है भारत में, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में सबसे अच्छी चाय कहाँ की होती है, तो ये होती है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की। दार्जिलिंग की चाय सबसे अच्छी होती है, लेकिन अगर क्वांटिटी की बात की जाए, मतलब कि कौन ज़्यादा उत्पादन देता है, तो ये है असम। असम की कैपिटल कहाँ पे है? असम की कैपिटल कहाँ पे है, ये आपके लिए दूसरा क्वेश्चन होगा। आपको हिंट दे दें कि इसका नाम डी से शुरू होता है। कई लोग इसे गुवाहाटी से कंफ्यूज होते हैं, लेकिन असम की कैपिटल गुवाहाटी नहीं है। आपको कमेंट करके बताना है कि असम की कैपिटल कहाँ है, नाम शुरू होता है डी से। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है गुवाहाटी। गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, और ये गुवाहाटी है असम में, जो कि असम की एक बड़ी सिटी के रूप में जानी जाती है। कई लोग गुवाहाटी को ही असम की कैपिटल मान लेते हैं, जो कि गलत है। आगे बढ़ें, तो ये है जबलपुर। जबलपुर में है नर्मदा नदी, और जबलपुर में नर्मदा नदी एक वाटरफॉल बनाती है, नाम है धुआंधार वाटरफॉल। धुआंधार वाटरफॉल जो कि जबलपुर में है, तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि धुआंधार वाटरफॉल कहाँ है, तो जबलपुर में है। जबलपुर में कौन सी नदी धुआंधार वाटरफॉल बनाती है? नर्मदा नदी, गुजरात की लाइफलाइन, गुजरात की लाइफलाइन। देखिए, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, तो आपको केवल 10 से 12 मिनट में ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। गुजरात की लाइफलाइन कहा जाता है नर्मदा नदी को, और नर्मदा नदी का 80% भाग मध्य प्रदेश में प्रवाहित होता है, 10% भाग छत्तीसगढ़ में, और 10% भाग गुजरात में प्रवाहित होता है। नर्मदा के नाम पे एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में, एक यात्रा भी निकाली जाती है। आगे बढ़ते हैं, तो ये है कोटा, राजस्थान का कोटा, जो कि पढ़ाई के लिए, खास करके आईआईटी के एग्जाम के लिए जाना जाता है। तो ये है कोटा, और ये है चंबल नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे, और इस तरह की ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, तो यह है कटक। कटक है महानदी के किनारे। उसके बाद नासिक। नासिक है गोदावरी के किनारे, और गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को। आगे बढ़ते हैं, तो यह है संबलपुर, जो कि महानदी के किनारे है। महानदी कहाँ पे, इसका अधिक भाग प्रवाहित होता है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा की कैपिटल कहाँ पे है? भुवनेश्वर। आगे बढ़ते हैं, तो यह है श्रीरंगपट्टनम। तो यह है कावेरी नदी के किनारे, और कावेरी का अधिकतम भाग कर्नाटक में प्रवाहित होता है। वाराणसी की बात करें, जो कि ढेर मतलब कई बार पूछा जा चुका है आपके परीक्षा में, तो यह है गंगा नदी के किनारे। बाबा विश्वनाथ का मंदिर वाराणसी में ही आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, तो यह है लुधियाना, जो कि पंजाब में है, और यहाँ पे है सतलुज नदी। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। चंडीगढ़, तो हरियाणा की कैपिटल कहाँ पे है, ये कमेंट करके बताइए। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़, तो हरियाणा की कैपिटल कहाँ पे है, ये आपके लिए तीसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन होगा आपके लिए, कमेंट करके बताइए हरियाणा की कैपिटल कहाँ पे है, अगर पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है तो। आगे बढ़ते हैं, तो ये अंतिम पेज होगा आपके स्क्रीन पर। हैदराबाद की बात करें, तो ये है मूसी नदी के किनारे, और मथुरा, मथुरा है यमुना नदी के किनारे, जो कि भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है। और अंतिम है जमशेदपुर, तो ये है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को 2 से लेके 3 बार देखिए, आपको ये सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। और आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ ज़रूर शेयर करिए। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जा चुका है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।
तो ये है सरकारीएग्जाम.मी। आपको इस वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको इसी वेबसाइट पे मिलता है। अगर आप इसे अपने लैपटॉप में ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखेगा, और अगर आप इसे अपने मोबाइल में ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का व्यू दिखता है। इसमें सबसे फायदे वाली बात यह है कि सबसे पहले आपको लेटेस्ट जॉब का सेक्शन मिलेगा, लेकिन उसके नीचे जाने पर आपको जीके टेस्ट का सेक्शन मिलता है। यहाँ पे ढेर सारे जीके के टेस्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। वहाँ पे जाके आप एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप जीके का टेस्ट दे सकते हैं। इसमें पॉलिटी जीके, कंप्यूटर जीके, इंडिया जीके और इस तरह के स्टेट वाइज जीके भी अपलोड किए गए हैं। इसके साथ ही जो वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड की जाती है उसका पीडीएफ आप यहाँ पे स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में आके डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप किसी भी मटेरियल को या फिर किसी भी पेज को अपने दोस्तों में शेयर करना चाहते हैं तो आपको शेयर करने का लिंक सीधे उसी पेज पर नीचे मिल जाएगा। इसे आप व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक या फिर टेलीग्राम पे बड़े ही आसानी से भेज पाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें।